हेलो दोस्तों, जय माता दी। जैसे कि आप लोग को पता है, नवरात्रि शुरू हो गई दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं नवरात्रि के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले लड्डू की रेसिपी बताई है नवरात्रि में, तो अब मैं नवरात्रि माँ सैंड पुत्री के बारे में बताना चाहूँगी। और बताना चाहूँगी दोस्तों कि एक साल में 4 नवरात्रि पड़ती है, जो कि 2 हमें पता है अच्छे से। 2 नवरात्रि के बारे में कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो जो 2 नवरात्रि होती है, एक चैत मास में होती है और दूसरी अश्विनी मास में होती है, जो हम लोग मनाते हैं। और 2 मतलब नवरात्रि और होती है जो गुप्त होती है दोस्तों। जो गुप्त नवरात्रि होती है दोस्तों, उसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, जो तांत्रिक लोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि आज प्रथम दिन है, जो शैलपुत्री माता का दिन है। तो बताना चाहूंगी दोस्तों कि जो शैलपुत्री माता थी, उनका पूर्व जन्म में वो पूर्व जन्म में सती माता के रूप में जन्म ली थी। राजा दक्ष की पुत्री थी और महादेव की पत्नी थी दोस्तों। तो बताना चाहूंगी तो दोस्तों, भगवान शिव को राजा दक्ष प्रजापति पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक यज्ञ में मतलब शिव जी को ना बुला के उन्हें न्योता ना दिया, नहीं बुलाया दोस्तों। जब देवी सती बिना न्योते के अपने पिता के घर पहुंची, तो उनसे उनके पिता उनका बहुत घोर अपमान हुआ दोस्तों। और उनसे कोई भी स्नेह ना बोल के, उनकी माता ने स्नेह उनसे बात की, उनसे गले लगाया और किसी ने बात नहीं की। और उनको अपने पति का अपमान उनसे उनका अपने पति का अपमान सहन ना हुआ दोस्तों, जिसकी वजह से उन्होंने अपना आत्मदहन कर दिया उसी हवन कुंड में दोस्तों। जिसके बाद शिव जी लंबी योग साधना में चले गए। अगले जन्म में हिमालय पर्वत के घर जन्म ली, जिससे शैलपुत्री कहलाई दोस्तों। और अपनी घोर तपस्या से उन्होंने उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया और फिर वो माता पार्वती के नाम से विख्यात हुई। और तभी से उनकी पूजा का विख्यात हो गया दोस्तों, तभी से उनकी पूजा होने लगी। और माँ शैलपुत्री की सवारी बैल है, और इसलिए उनका एक नाम ऋषारूढ़ा भी है। और उनके दाएं हाथ में त्रिशूल होता है और बाएं हाथ में सफ़ेद कमल का फूल होता है। और वो सफ़ेद वस्त्र भी धारण करती हैं। और माँ शैलपुत्री शांति स्वभाव के दोस्तों, तो इनकी पूजा करने से आपको सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। तो ये रही माँ शैलपुत्री की कहानी दोस्तों, जो मुझे पता थी मैंने आपको बता दी। मैं बहुत अटकी इसलिए दोस्तों कि मैं कहानी वगैरह ऐसे नहीं बताती थी, और आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊंगी।